मेरा नाम दत्तू सूर्यवंशी, कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। इस संदर्भ में मैं प्रेस के साथ ये बात करना चाहता हूँ, जो कल हुमनाबाद में जो घटी घटना, इसे मैं तीव्र खंडन करता हूँ। हमारे पार्टी के जो नेता लोग और कार्यकर्ता, जो रायचूर की जो घटी घटना, जो बाबा साहब को अपमानित किया गया था एक न्यायाधीश की ओर से, पढ़ा लिखा इंसान की ओर से, तो उसको उसके बारे में मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। ये कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं थी वो, तो उस संदर्भ में जब मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार जानबूझ के उन्हें 2-3 घंटा रुकाया और रुका के उनके मन को लगने वाली बात उनको अवमानित किया, और अवमानित करते हुए और जाति के नाम से उन्हें गाली गलौज भी किया, और उसके साथ साथ बाबा साहब को भी उनके अवैध शब्दों में उन्हें अपमानित करने का काम किया उस तहसीलदार साहब, जो हुमनाबाद तहसीलदार ने किया। तो इसलिए ऐसा ये एक संघर्ष होने के बाद वो घटना घड़ी। वो घटना हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तहसीलदार जवाबदार ऑफिसर होके इस ढंग का बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसको समाधान करके उनका मेमोरेंडम लेके भेज देना चाहिए थी, इतनी घटना नहीं होती थी। इसलिए ये जो घटी घटना है, इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता भी अट्रॉसिटी केस उस तहसीलदार पे करे हैं, जाति निंदन का केस, तो इमीडिएट तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको सस्पेंड करना, और अंकुश गोखले, जमील खान साहब और अन्य हमारे कार्यकर्ता जो जेल में है उनको रिहा करने का काम करें, और न्याय दोनों को समान मिलना चाहिए। तहसीलदार पर हाथ उठाने की वजह क्या है? तहसीलदार पर हाथ कोई नहीं उठाया, उन्होंने उनको अपमानित किया, अपमानित करके उनको चिढ़ाया, चिढ़ाने के बाद ये घटना घड़ी। ये घटना होने के लिए तहसीलदार ही कारण है। वीडियो वायरल होना सर, कुर्सियों से मार रहे सो है और वो अब मल्टीपल करके बताते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मारते हैं इसका समर्थन हम नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता बहुत लॉ एंड ऑर्डर के बहुत नियमित पालन करने वाले होते हैं, हम उसको नहीं मानते, लेकिन अंकुश गोखले, जमील खान साहब अध्यक्ष जी को और हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए, और इस राज्य में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कभी भी मेमोरेंडम देने जाने हो या संप रैली करने दे हो, इस तरीके ही घटना घट रहे हैं। और ये जो मनवादी सरकार इस देश इस राज्य में है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ राजकारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपनी मांग, हक अधिकार की बात जब करते हैं तो उनको मान सम्मान से उनका हक अधिकार की जो पूछ रहे हैं उसका मेमोरेंडम स्वीकार करें, तो ये नहीं हो। तहसीलदार साहब ही कारण है। तो कल प्रोटेस्ट करें ना सर, फिर आज क्या है? फिर नहीं, किस वजह से आए आज आप लोग? आज हम इस वजह से आए, हुमनाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अंदर डाले हैं, तो डीसी साहब उन दोनों को इक्वल जस्टिस करे, एक तरफा ना करे, एक तरफा ना करे। अरेस्ट जो करे है, क्या बिना पे अरेस्ट करे उनको? तहसीलदार को इन्होंने हमला किया बोल के करे हैं, लेकिन तहसीलदार पे उन्होंने हमला नहीं किया, हाथापाई हो गई। एफआईआर हुआ, केस दाखिल हुआ जेल में, तहसीलदार के ऊपर भी 20 लोग, टोटल 21 लोगों के ऊपर केस करे हैं, अरेस्ट हो गए हैं, और तहसीलदार को जो भी है अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में उन्होंने उनके बचाव करने के लिए सहारा ले रहे हैं ऐसा लगता है, इसलिए तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और दोनों तरफा इक्वल न्याय करे। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले, और इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के ऊपर जो बार बार इस ढंग का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरोध लड़ने वाले को इस तरह का षड्यंत्र करके अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और दादा साहब कांशीराम बोले हैं, जब तुम्हारी संतान तुम्हारे नस्लें पढ़ने लिखे लगाएंगे तो ये मनवादी सरकार कोर्ट का सहारा लेके आपको अंदर करेगी, ये बात हमें आज साबित हो रही है, साबित हो रहे सर। उस रायचूर का जो जज है उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं अभी तक? अभी तक गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ली, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश है, पढ़ा लिखा आदमी है, और भारत के संविधान के वजह से ही उन्होंने वहाँ पर जज हो गए, नहीं तो इन्होंने जज होने की इनकी काबिलियत नहीं थी। मनवादी अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था की सरकार होती तो कहीं कोने में एक झांग पर किसी खेत में पड़े होते, बाबा साहब ने दिए हुए संविधानात्मक हक के वजह से उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पर है, वो ध्यान रखना चाहिए। अभी जो इक्वल न्याय बोल रहे हैं साहब, इक्वल न्याय कैसा होना आपके हिसाब से?
ये जो ये घटना घड़ने के लिए कौन प्रोत्साहित किया, तहसीलदार किया, तो तहसीलदार को भी पकड़ना चाहिए। इंक्वायरी तुम ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो, और जज की तो बात आप सबको मालूम है, फोटो निकाला गया, हाँ वो निकालने तक मैं नहीं आऊँगा बोले। देखो आज जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, दुनिया मानती है, यूएनओ मानता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को एक सिंबल ऑफ नॉलेज, और भारत को इतना सुपर सुपर दुनिया में कहीं ऐसा संविधान नहीं है। इक्वेलिटी, जस्टिस, इंडिपेंडेंट और समान विकास की बात जब संविधान में होती है तो ऐसा पवित्र संविधान देने वाले बाबा साहब को अपमानित करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को और सेकुलरिज्म को अपमान है, और पूरे भारत के जन लोगों को, भारत के पूरे आबादी को अपमान है। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಪಿಲ್ಗೌಡ ಬಳಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ಮೇರ ನಾಮ್ ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೇ ಮೈ ಪ್ರೆಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯೇ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಜೋ ಕಲ್ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಮೇ ಜೋ ಘಟಿ ಘಟನಾ, इसे मैं तीव्र खंडन करता हूँ. हमारे पार्टी के जो नेता लोग और कार्यकर्ता, जो रायचूर की जो घटी घटना, जो बाबा साहब को अपमानित किया गया था एक न्यायाधीश की ओर से, पढ़ा लिखा इंसान की ओर से, तो उसको उसके बारे में मेमोरेंडम देने के लिए गए थे. ये कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं थी वो, तो उस संदर्भ में जब मेमोरेंडम देने गए तो तहसीलदार जानबूझ के उन्हें 2-3 घंटा रुकाया, और रुका के उनके मन को लगने वाली बात उनको अवमानित किया, और अवमानित करते हुए और जाति के नाम से उन्हें गाली गलौज भी किया, और उसके साथ साथ बाबा साहब को भी उनके अवैध शब्दों में उन्हें अपमानित करने का काम किया उस तहसीलदार साहब, जो हुमनाबाद तहसीलदार ने किया. तो इसलिए ऐसा ये एक संघर्ष होने के बाद वो घटना घड़ी. वो घटना हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तहसीलदार जवाबदार ऑफिसर होके इस ढंग का बर्ताव नहीं करना चाहिए. उन्होंने उसको समाधान करके उनका मेमोरेंडम लेके भेज देना चाहिए थी, इतनी घटना नहीं होती थी. इसलिए ये जो घटी घटना है, इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता भी अट्रॉसिटी केस उस तहसीलदार पे करे हैं, जाति निंदन का केस. तो इमीडिएट तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको सस्पेंड करना, और अंकुश गोखले, जमील खान साहब और अन्य हमारे कार्यकर्ता जो जेल में हैं उनको रिहा करने का काम करे, और न्याय दोनों को समान मिलना चाहिए. तहसीलदार पर हाथ उठाने की वजह क्या है सर? तहसीलदार पर हाथ कोई नहीं उठाया, उन्होंने उनको अपमानित किया, अपमानित करके उनको चिढ़ाया. चिढ़ाने के बाद ये घटना घड़ी. ये घटना होने के लिए तहसीलदार ही कारण है. वीडियो वायरल हो रहा सर, कुर्सियों से मार रहे हैं और वो अब मल्टीपल करके बताते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मारते हैं इसका समर्थन हम नहीं करते. हमारे कार्यकर्ता बहुत लॉ एंड ऑर्डर के बहुत नियमित पालन करने वाले होते हैं, हम उसको नहीं मानते. लेकिन अंकुश गोखले, जमील खान साहब अध्यक्ष जी को और हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिलना चाहिए, और इस राज्य में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कभी भी मेमोरेंडम देने जाने हो या संप रैली करने दे हो, इस तरीके ही घटना घट रहे हैं. और ये जो मनवादी सरकार इस देश इस राज्य में है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ राजकारण है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपनी मांग, हक अधिकार की बात जब करते हैं तो उनको मान सम्मान से उनका हक अधिकार की जो पूछ रहे हैं उसका मेमोरेंडम स्वीकार करे, तो ये नहीं है. तहसीलदार साहब ही कारण है. तो कल प्रोटेस्ट करें ना सर, फिर आज क्या है? फिर नहीं, कल वजह से आए आज आप लोग? आज हम इस वजह से आए, हुमनाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अंदर डाले हैं, तो डीसी साहब उन दोनों को इक्वल जस्टिस करे, एक तरफा ना करे, एक तरफा ना करे. अरेस्ट जो करे है, क्या बिना पे अरेस्ट करे? तहसीलदार को इन्होंने हमला किया बोल के करे हैं, लेकिन तहसीलदार पे उन्होंने हमला नहीं किया, हाथापाई हो गई. एफआईआर हुआ, केस दाखिल हुआ जेल में. तहसीलदार के ऊपर भी 20 लोग, तहसीलदार के टोटल 20 लोगों के ऊपर केस करे हैं, अभी अरेस्ट हो गए हैं. और तहसीलदार को जो भी है, अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में उन्होंने उनके बचाव करने के लिए सहारा ले रहे हैं ऐसा लगता है. इसलिए तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए, और दोनों तरफ इक्वल न्याय करें. हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले, और इस देश में
जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के ऊपर जो बार बार इस ढंग का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरोध लड़ने वाले को इस तरह का षड्यंत्र करके अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और दादा साहब कांशीराम बोले हैं, जब तुम्हारी संतान तुम्हारे नस्लें पढ़ने लिखे लगाएंगे तो ये मनवादी सरकार कोर्ट का सहारा लेके आपको अंदर करेगी। ये बात हमें आज साबित हो रही है, साबित हो रहे सर। उस रायचूर का जो जज है उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं अभी तक गवर्नमेंट? अभी तक गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ली, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना, क्योंकि उन्होंने एक न्यायाधीश है, पढ़ा लिखा आदमी है, और भारत के संविधान के वजह से ही उन्होंने वहाँ पर जज हो गए। नहीं तो इन्होंने जज होने की इनकी काबिलियत नहीं थी। मनवादी अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था की सरकार होती तो कहीं कोने में एक झांग पर किसी खेत में पड़े होते, बाबा साहब ने दिए हुए संविधानात्मक हक के वजह से उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पर है, वो ध्यान रखना चाहिए। अभी जो एकवल न्याय बोल रहे हैं साहब, एकवल न्याय कैसा होना आपके हिसाब से? ये जो ये घटना घड़ने के लिए कौन प्रोत्साहित किया, तहसीलदार किया, तो तहसीलदार को भी पकड़ना चाहिए। इंक्वायरी तुम ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो। और जज की तो बात आप सबको मालूम है, फोटो निकाला गया, हाँ वो निकालने तक मैं नहीं आऊँगा बोले। देखो आज जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, दुनिया मानती है, इवन नो मानता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को एक सिंबल ऑफ नॉलेज, और भारत को इतना सुपर सुपर दुनिया में कहीं ऐसा संविधान नहीं है। इक्वेलिटी, जस्टिस, इंडिपेंडेंट और समान विकास की बात जब संविधान में होती है तो ऐसा पवित्र संविधान देने वाले बाबा साहब को अपमानित करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को और सेकुलरिज्म को अपमान है, और पूरे भारत के जन लोगों को, भारत के पूरे आबादी को अपमान है। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಸಾಯಂತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಪಿಲ್ ಗೌಡ ಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.